हेलो दोस्तों, एक बार फिर से नई वीडियो में स्वागत है। दोस्तों आज हम एक ऐसे स्टॉकों पर डिस्कस करने वाले हैं जो कि अभी तक हमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग तरीके से मुनाफा दिया है और दोस्तों फ्यूचर में भी इसमें हमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग तरीके से रैली देखने को मिल सकता है। और दोस्तों बात करें जब स्टॉक की प्राइस में ओनली 500 के अप्रोक्सीमेट ट्रेड करते हुए देखने को मिला था, वहाँ से आप लोग को वीडियो बना के डिस्कस किया था इस स्टॉक में हमें खरीदारी करना चाहिए, फ्यूचर में इसका प्राइस यहाँ से काफ़ी आगे जाते हुए देखने को मिलेगा। और दोस्तों 500 का स्टॉक हमें 3000 के अप्रोक्स में जाते हुए देखने मिला था और वहाँ से इस स्टॉक में हमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग तरीके से गिरावट देखने मिला, जिसकी वजह से इसका प्राइस हमें यहाँ पे 1700 रुपये के आसपास में आते हुए देखने मिला। तो आप लोग समझ सकते हो इस स्टॉक में कितना स्ट्रॉन्ग तरीके से हमें गिरावट देखने मिला था बीच में। हालांकि फिर से इस स्टॉक में हमें रैली देखने मिल रहा है और इसका प्राइस फिलहाल हमें 2400 के अप्रोक्स में हमें ट्रेड करते हुए देखने मिल रहा है। और दोस्तों फ्यूचर में इसका प्राइस फिर से हमें यहाँ से काफ़ी आगे जाते हुए देखने मिल सकता है। तो आप लोग चाहो तो इस स्टॉक के ऊपर फोकस बनाकर रख सकते हो। स्टॉक फंडामेंटली हमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग तरीके से यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो चलिए इस स्टॉक से हम सारी इन्फॉर्मेशन एक बार देखेंगे। तो सब्सक्राइब एक बार रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि प्लीज़ मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मेरा जो भी वीडियो आएगा नेक्स्ट उसका नोटिफिकेशन आप लोग को मिल जाएगा। तो दोस्तों मैं यहाँ पर आप लोग से दीपक नाइट्राइड के रिगार्डिंग डिस्कस कर रहा हूँ। स्टॉक अपने आप में काफ़ी अच्छा खासा है, आप लोग इसके ऊपर फोकस बनाकर रख सकते हो। हालांकि बात करेंगे यहाँ पे पिछले ट्रेडिंग सेशन का दोस्तों, तो यहाँ पे देख सकते हो रफली हमें 1% के आपस में गिरावट देखने मिला था। हालांकि बात करेंगे पिछली 1 मंथ का इसका प्राइस का ग्राफ का, तो यहाँ पे हमें 5% के आपस में मुनाफा देखने को मिल रहा है जो कि अपने आप में काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। और दोस्तों हम बात करेंगे पिछले 6 मंथ का इसका प्राइस का ग्राफ का, तो यहाँ पे हमें 16% के आसपास का मुनाफा देखने को मिल रहा है जो कि ये भी फिगर हमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग तरीके से यहाँ पे देखने मिल रहा है। और दोस्तों बात करेंगे पिछले 1 साल का इसका प्राइस का ग्राफ का, तो पिछले 1 साल में इस स्टॉक में यहाँ पे हमें काफ़ी उतार चढ़ाव देखने मिला है। हालांकि एवरी गिरावट पे हमने वीडियो बना के डिस्कस किया था इस स्टॉक में हमें खरीदारी करना चाहिए। और दोस्तों यहाँ से जिस तरीके से हमें फिर से रैली देखने को मिल रहा है, हमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग तरीके से रैली देखने को मिल रहा है और फ्यूचर में इसका प्राइस हमें फिर से यहाँ पे 3000 के भी क्रॉस करके आगे जाते हुए देखने को मिल सकता है। हालांकि इसके लिए थोड़ा सा हमें इंतज़ार करना चाहिए। और दोस्तों बात करेंगे पिछले 5 ईयर के इसका प्राइस का ग्राफ का, तो यहाँ पे देख सकते हो 1000% के आसपास का मुनाफा देखने को मिल रहा है जो कि अपने आप में यहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग तरीके से हमें देखने को मिल रहा है। और दोस्तों हम बात करेंगे सबसे अधिक दिनों के इसका प्राइस का ग्राफ का, तो सबसे अधिक दिनों में इस स्टॉक ने यहाँ पर काफ़ी स्ट्रॉन्ग तरीके से मुनाफा दिया है जो कि आप लोग के सामने में है। दोस्तों स्टॉक हमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग तरीके से यहाँ पे देखने को मिल रहा है। इसका प्राइस का ग्राफ देख के हमें समझना चाहिए स्टॉक कितना स्ट्रॉन्ग तरीके से हमें देखने को मिल रहा है। और दोस्तों फ्यूचर में इसका प्राइस फिर से हमें यहाँ से काफ़ी आगे जाते हुए हमें देखने को मिलेगा। दोस्तों यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे इस स्टॉक के मार्केट कैपिटलाइजेशन के रिगार्डिंग, तो यहाँ पे देख सकते हो काफ़ी स्ट्रॉन्ग तरीके से हमें फिगर देखने को मिल रहा है। और दोस्तों बात करेंगे इस सेक्टर के रेशियो का, तो यहाँ पे 13.25 हमें देखने को मिल रहा है जो कि सेक्टर के पीछे से इस स्टॉक का प्रीशियो हमें थोड़ा सा हाई यहाँ पे देखने को मिल रहा है। हालांकि दोस्तों बात करेंगे रिटर्न ऑन इक्विटी का, तो यहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग तरीके से फिगर है जो कि आप लोग के सामने में जबरदस्त तरीके से हमें यहाँ पे रिटर्न ऑन इक्विटी का फिगर हमें देखने को मिल रहा है। और दोस्तों बात करेंगे यहाँ पे फेस वैल्यू का, तो हमें 2 रुपये देखने को मिल रहा है। तो स्टॉक अपने आप में हमें काफ़ी अच्छा खासा देखने को मिल रहा है, आप लोग इसके ऊपर फोकस बना के रख सकते हो। और दोस्तों हम बात करेंगे इस स्टॉक का 52 वीक लो एंड हाई का, तो स्टॉक यहाँ पे आप लोग के सामने में देख सकते हो। दोस्तों यहाँ पे जिस तरीके से हमें फिगर देखने मिला, यहाँ पे 2600 प्लस का फिगर है जो कि स्टॉक हमें 1681 रुपये के आसपास में हमें इसी साल आते हुए देखने मिला था और यहाँ से फिर से हमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग तरीके से रैली देखने को मिल रहा है। तो आप लोग इस स्टॉक के ऊपर फोकस बना के रख सकते हो। और दोस्तों इसका फंडामेंटल काफ़ी स्ट्रॉन्ग है जिसकी वजह से इस स्टॉक में यहाँ पे हमें म्यूचुअल फंड का होल्डिंग भी हमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग तरीके से यहाँ पे देखने को मिल रहा है। यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों, अगर बात करें तो यहाँ पे हमें मोतीलाल ओसवाल का यहाँ पे 3% का होल्डिंग है जो कि यहाँ पे IDFC म्यूचुअल फंड का भी यहाँ पे हमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग तरीके से होल्डिंग देखने को मिल रहा है। और दोस्तों यहाँ पे IDFC का भी यहाँ पे 2% से एबव का होल्डिंग है। और दोस्तों काफ़ी अच्छा खासा यहाँ पे म्यूचुअल फंड का भी हमें होल्डिंग देखने को मिल रहा है। तो स्टॉक दोस्तों फ्यूचर के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग है, आप लोग इसके ऊपर फोकस बना के रख सकते हो।
और दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो जिस तरीके से इसका हमें रेवेन्यू का फिगर देखने को मिल रहा है, ये भी अपने आप में काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। इस साल का सबसे हाईएस्ट यहाँ पे हमें रेवेन्यू का फिगर देखने को मिल रहा है। और पिछले 5 ईयर का यहाँ पे ग्राफ है, एवरी ईयर कंपनी यहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग तरीके से रेवेन्यू का फिगर अभी तक शो किया है। और दोस्तों बात करेंगे यहाँ पे प्रॉफिट के रिगार्डिंग, तो इस साल का सबसे हाईएस्ट हमें यहाँ पे प्रॉफिट का फिगर देखने को मिल रहा है, यानी कि एवरी ईयर कंपनी यहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग तरीके से प्रॉफिट का फिगर भी शो किया है जो कि आप लोग के सामने में है। और दोस्तों बात करेंगे यहाँ पे सेल्स के रिगार्डिंग, तो जिस तरीके से हमें यहाँ पे सेल्स का फिगर देखने को मिल रहा है जून क्वार्टर में काफ़ी स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे सेल्स का फिगर। हालांकि दोस्तों बात करेंगे यहाँ पे नेट प्रॉफिट का, तो यहाँ पे प्रॉफिट का फिगर भी अपने आप में काफ़ी अच्छा खासा हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे दोस्तों जिस तरीके से हमें रिजर्व सरप्लस का फिगर देखने को मिल रहा है पिछले साल के अकॉर्डिंग, इस साल यहाँ पे काफ़ी अच्छा खासा इंक्रीमेंट के साथ हमें फिगर देखने को मिल रहा है। हालांकि हम बात करेंगे लॉन्ग टर्म ब्रोइंग के रिगार्डिंग, तो यहाँ पे एकदम से हमें जीरो फिगर देखने को मिल रहा है जो कि आप लोग के सामने में है। और दोस्तों हम बात करेंगे यहाँ पे शॉर्ट टर्म ब्रोइंग के रिगार्डिंग, तो यहाँ पे हमें शॉर्ट टर्म ब्रोइंग का फिगर भी थोड़ा बहुत हमें देखने को मिल रहा है जो कि कोई खास है नहीं। हालांकि दोस्तों बात करेंगे फिक्स एसेट का, तो फिक्स एसेट का फिगर भी हमें यहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग तरीके से हमें देखने को मिल रहा है जो कि आप लोग के सामने में है। और दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का फिगर भी यहाँ पे काफ़ी अच्छा खासा हमें फिलहाल यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो स्टॉक हमें फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग तरीके से देखने को मिल रहा है और फ्यूचर में इसमें काफ़ी अच्छा खासा हमें रैली देखने को मिलेगा, तो आप लोग इस स्टॉक के ऊपर फोकस बना के रख सकते हो। दोस्तों हम बात करेंगे इस स्टॉक में प्रमोटर का होल्डिंग का, तो यहाँ पे देख सकते हो 45% से एबव का होल्डिंग है जो कि अपने आप में काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। और दोस्तों यहाँ पे FII का होल्डिंग भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, 8% से एबव का है। जो कि हम बात करेंगे DII का होल्डिंग का, तो ये भी अपने आप में काफ़ी स्ट्रॉन्ग तरीके से हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। जो कि रिटेल इन्वेस्टर की बात करेंगे तो यहाँ पे 30% से एबव का हमें होल्डिंग यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे शेयर होल्डर पैटर्न भी अपने आप में काफ़ी अच्छा खासा है, आप लोग इसके ऊपर फोकस बना कर रख सकते हो। फ्यूचर में हमें बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से फिर से हमें इसमें रैली देखने को मिलेगा, हालांकि अभी तक इस स्टॉक ने काफ़ी स्ट्रॉन्ग तरीके से मुनाफा दिया है। दोस्तों यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे अगर यहाँ से इस स्टॉक में थोड़ा बहुत हमें गिरावट देखने को मिलता है तो इसका प्राइस हमें 2120 रुपये के अप्रोक्स में आते हुए देखने को मिलेगा। हालांकि फ्यूचर में इसका प्राइस हमें फिर से 3000 के भी क्रॉस करके आगे जाते हुए देखने को मिल सकता है। हालांकि इसके लिए थोड़ा सा पेशेंस चाहिए, स्टॉक अपने आप में हमें काफ़ी अच्छा खासा देखने को मिल रहा है। दोस्तों उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरा यूट्यूब सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मेरे जो भी वीडियो आएगा नेक्स्ट उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाएगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, बाय।